हाय एवरीवन, चलिए हम आज अपने तरफ से जो है अपने तरीके से छेना की सब्जी बनाते हैं। तो इसे छेना टोस्ट कह लो या छेने की सब्जी कह लो या जो आपको कहना है वो नाम दे सकते हैं। तो भाई, हमने तो 1.5 किलो दूध यूज़ किया था। 1.5 किलो दूध को जो है हमने उबाला, और उबालने के बाद जो है मैंने जो है सारे दूधों को पहले एक अच्छी बॉयल आने दी है, और फिर उसके बाद कुछ दूध तो मेरे लास्ट में गिर भी गए थे। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाला हाल हो गया था मेरे मेरे साथ। तो ये हमारी दूध की उबाल आने वाली है। तो उबाल आने के बाद जो है दूध हमारा उबल चुका था, तो मैं जो है इसमें थोड़े थोड़े जो है नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर हो तो विनेगर भी आप डाल सकते हैं। धीरे धीरे विनेगर में थोड़ा पानी ऐड करके और वो इसमें आप ऐड करना, और फिर इसको अच्छे अच्छे से जो है हम छेने का जो है छेना तैयार करेंगे। तो धीरे 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 हमारा देखिएगा छेना जो है तैयार होने लगेगा और पानी जो है साइड हो जाएगा। तो हमारा देखिए एक हल्का सा जो है छेना निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब धीरे धीरे जो है हमारा छेना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है पहले इसको हम सारा छेना अपना निकाल लेंगे दूध दूध के अंदर से। ये दूध ने सारा जो है पानी छोड़ दिया, छेना अलग हो गया, दूध अलग हो चुका है। अब इसको जो है हम अच्छे तरीके से धोएंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको और देखती हूँ कि क्या इसमें है तो नहीं है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से धोते हैं। वो थोड़ा सा दूध मैंने जो है लास्ट में निकाल लिया था, वही दिखा रही थी। तो अब इसको हम अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि हमने जो है इसमें नींबू ऐड किया था। तो अब इसको वॉश करते हैं। ये मैंने पानी से इसको वॉश किया है, और अच्छे से वॉश करने के बाद जो है अभी हल्का सा गर्म है। वॉश करने के बाद जो है मैंने कटोरी के अंदर जो है सिल कूटने वाला जो है ऐसा डाल दिया कि इसके सारे पानी निकल जाए। अब इसका हम जो है अब छेना बनाएंगे। तो पहले से ही मैंने पानी जो है डाल दिया था, और पानी डालने के बाद हम देखिए हमारा ये पनीर है। अब पनीर को हम जो है अच्छे से मिसेंगे। इसमें मैं ना कुछ ऐड नहीं करूँगी, अच्छे से इसे मिसेंगे जब तक हमारे पानी भी बॉईल हो जाएगी। तो चलिए, एटी परसेंट मिसने के बाद जो है इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला है कि जो हमारे पनीर में टेस्ट आ जाए। हल्का सा मैंने धनिया ऐड किया है। अगर आपको कोई और मसाला ऐड करना है तो आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैं और दूसरे तरीके से और फिर से दोबारा बनाऊंगी इसको। तो चलिए, इसका देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है 2-4 बार ऐसे ही पटकेंगे, और पटकने के बाद जो है अब इसकी लोई बनाएंगे। तो चलिए हम इसकी लोई बनाते हैं। मैंने सारी लोई बना ली है, और एक एक करके लोई जो है हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये मैंने एक गलती कर दी थी कि 2 मिनट के लिए मैं इधर हो गई थी। आप इसको 5 मिनट के लिए बस पानी में बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद जो है बंद कर देना है। मैं 2 मिनट के लिए इधर चली गई थी। तो अभी दूसरे साइड जो है हम अपना पेस्ट तैयार करते हैं। तो मैं प्याज लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आपका मन हो तो आप सब कुछ इसके अंदर काजू वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बस टमाटर और धनिया के जो डंठल होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसको जो है हम अच्छे से पकने देंगे। देखिए दूसरे साइड जो है हमारा छेना भी ये हो चुका है। तो मेरा छेना ज़्यादा ही पक चुका था, क्योंकि मैं दूसरे साइड चली गई थी। तो बस आप जो है देखते रहिएगा, लेकिन उतना भी बुरा नहीं बना था। बस हम 2 मिनट निकालने के बाद जो है हमारा सारा छेने अलग अलग हो गए थे। तो चलिए, अब मेरा इधर मसाला भी जो है लगभग तैयार हो चुका है। देखिए मेरा टमाटर इधर जो है हल्का हल्का पक चुका है। तो अब मैं इसे जो है एक बर्तन में निकाल करके ठंडे होने दूंगी। अब दूसरे साइड जो है हम अपने छेने को जो है फ्राई करेंगे। तो सारे छेने को जो है एक एक करके जो है मैं फ्राई करूँगी।
देखिए, ये हमारा छेना लगभग सारे फ्राई हो चुका है और दूसरा मैं एक निकाल भी चुकी हूँ। अब इस मसाले में मैंने धनिया, हल्दी और मिर्ची ऐड किया है, मतलब कश्मीरी मिर्ची ऐड किया है। वो बाकी मिर्ची मैंने टमाटर में ऐड करके मैंने उसे पीसा था। तो ये हमारा छेना तैयार हो गया है। और उसके बाद जो है, ये हमने जो पेस्ट के लिए जो टमाटर किया था, वो टमाटर भी हमारा लगभग हो चुका है। टमाटर का पेस्ट भी बना लिया। अब जो है, हम वो मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था, मिर्ची, धनिया और हल्दी का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये पानी ना छोड़ दे, सॉरी तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सारे पानी हमारी जो है जल जानी चाहिए। तो चलिए, जो मैंने नॉर्मल फ्लेम पे जो है इसको यूज़ किया है, तो आप अच्छे से इसको भूनिएगा। ये हमारा मसाला देखिए लगभग जो है 80% हो चुका है। साइड से आप देख सकते हैं इसका जो है तेल निकल गया, ये निकल गई है। तो अब इसके अंदर जो है, हम वो टमाटर का पेस्ट जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं गाइस दोबारा कह रही हूँ, अगर आपके पास काजू हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं, हमारा क्रीमी टेस्ट आएगा इसके अंदर और हमारी जो ग्रेवी है और थिक बनेगी। तो देखिए, हमारा सारा जो है तेल हमारे मसाले ने छोड़ दिया है। अब इसको मैं और अच्छे से पकाऊंगी। लगभग हमारा पक चुका है। मैंने इसमें नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मसाले हम पहले ही भून चुके हैं। बस अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे और पकाते ही रहेंगे, पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए, कढ़ाई हमारी जो है मसाले को छोड़ रही है। लगभग हमारा मसाला जो है तैयार हो रहा है। मैं हल्का सा और इसे भूनूंगी और इसे भूनती जाऊंगी। गैस की फ्लेम जो है मेरी तेज़ है। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है लो नहीं किया है, तेज़ फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो हमारा मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मैंने पानी, वो छेने वाला ही पानी इसमें यूज़ किया है, तो पानी ऐड करिए। और मेरे पास ना कुछ बॉइल्स पहले से बचे हुए थे छेने वाले, तो मैंने कच्चे वाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं। बॉइल्स ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है, तो आप भी चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हमारा मसाला ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो हम कटोरी में अपना जो है आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जो है पहले से ही निकाल लिया है। और इसमें जो है देखिए, हमारा छेना जो है तैयार है। बस आपको ग्रेवी हल्की सी और थिक करनी है, तो आप ग्रेवी और इसमें थिक कर सकते हैं। और अच्छे से अपना जो है छेना का जो है पेस्ट वो था, वो ऊपर से ऐड करिए और हल्की सी क्रीम ऐड करिए, या बटर है तो बटर ऐड करिए और धनिया ऐड करिए। हमारा छेना ग्रेवी तैयार है। ऐसी सेम मैंने जो है कढ़ाई में भी किया है। कढ़ाई में मैंने जो है अपने सारे छेने को ऐड करने वाली हूँ। सारे छेने को जो है मैंने अपने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। हमारा सारा छेना कढ़ाई में ऐड हो गया है। और उसके बाद जो है, अब इसको मैं पकाऊंगी नहीं, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी, कि हमारे क्योंकि ऑलरेडी हमारा छेना पहले से ही पका हुआ है। और इसे जो है आधे घंटे के बाद आप खाइएगा, बहुत जो है बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ करिएगा। बाय बाय।